फ़ोन पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू डिलीट फ़ोन पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कैसे कैसे हटाएं, कैसे रिमूव करें। आप लोग बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हो। इस टाइम पे क्या है, कहीं बंदे लोग ऐसे हैं भाई, लोग सोच रहे हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग जानना चाहते हो फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कैसे डिलीट करना है, जो भी आपने लेन देन किया है। ऐसे में क्या हो रहा है गाइस, कहीं बंदे लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे लेन देन करते हैं। इसके कारण दोस्तों बहुत भाई लोग ये सोचते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट किया जाए। तो आप लोग बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हो। सिंपली क्या करना है दोस्तों, आज के इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रिक को फॉलो कर लेना, जिसमें हम आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। कोई दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन पे को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वेलकम करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे ही फ़ोन पे आते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। ट्रांजेक्शन आप लोग चाहते हो ये बिना फालतू के मतलब यहाँ पर होते हैं, उस चीज को गाइस यहां पर डिलीट करना है। उसके स्टोर पे आना है, सर्च करना है। सबसे पहले आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। फोन पे एप्लीकेशन को सक्सेसफुली दोस्तों आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपका अपडेट होता है, नीचे साइड में जाना है, आपको बेटा वर्जन में ज्वाइन हो जाना है। फोन पे दोस्तों यहां पर बेटा वर्जन में ज्वाइन होने के बाद में फिर आपको अपने फोन पे को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन पे के हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। आपको इधर चले आना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का आपका हिस्ट्री ये देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नीचे साइड में आना है। आप लोग एक महीने की चाहते हो, दो महीने की चाहते हो, या फिर तीन महीने की चाहते हो, या फिर दोस्तों आप लोग एक साल की चाहते हो दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री को डिलीट करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इधर ध्यान से देखना है। आपको ट्रांजैक्शन वाले यहाँ पे हिस्ट्री वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर तीन इंटरफेस आएंगे, नोटिफिकेशन, QR कोड और दोस्तों वहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कुछ आइकन इस प्रकार से। ओके, ये समझ सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब अपडेट आता रहता है गाइस, यहाँ पे न्यू फीचर हैं आते रहते, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट करना है आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन पे प्रोफाइल सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में लिखा हुआ है माय फोन पे प्रोफाइल और सेकंड नंबर पे दोस्तों लिखा हुआ है पेमेंट मेथड और गाइस यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सेटिंग एंड प्रोफेशनल और वहीं पे चौथे नंबर पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको माय फोन पे डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है आप लोग डिलीट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहीं पे आपको ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई चेंज माय फ़ोन पे नंबर, वहीं पे हाउ टू आई लिंक की माय बैंक अकाउंट एंड वहीं पे दोस्तों चौथे नंबर पे लिखा हुआ हाउ टू रिमूव माय सेविड कार्ड डिटेल्स। एंड दोस्तों जो भी आपका सेविड कार्ड डिटेल्स है उसे आप लोग रिमूव कर पाओगे, लेकिन वहीं पर लास्ट में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एस फॉर SBI गाइडलाइंस एंड यूजर्स ऑफ अन्य पेमेंट ऐप कनेक्ट वी अलाउ टू डिटेल्स एंड थर्ड पेमेंट मेथड फ्रॉम द ऐप। इनके कहने का मतलब है ये दोस्तों यहाँ पे RBI की जो एक गाइडलाइंस पॉलिसी है जो इस टाइम पे चल रही है पूरे भारत में, पूरे दोस्तों यहाँ पे फ़ोनपे दोस्तों यहाँ पे आप लोग फ़ोन पे में गाइस यहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेल्स से वो डिलीट नहीं कर, लिखा हुआ योर पेमेंट, यहाँ पे योर पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे। अरे मतलब है आप लोग गाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे शेयर नहीं कर सकते और दोस्तों यहाँ पे जो अपने पेमेंट मेथड को डिलीट नहीं कर सकते, फ़ोन पे एक सिक्योर एप्लीकेशन होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ यहाँ से आपको लाइक कर देना है, थैंक यू फॉर फीडबैक कर देना, उसके बाद में यहाँ से कट मारना है।
आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, आपको आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, नीचे के साइड में जाना है, आपको एक ऐप सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से समझना है, ऐप सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐप सपोर्ट पे चले आना है, आपका मेल होगा देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, आपको एक अपील करना पड़ेगा, यही अपील करना पड़ेगा जो अपील यहाँ पे मैं आपको लिख के दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। डियर फोन पे टीम, करने का एक फीचर लाओ, एक प्राइवेसी ऐसी लाओ जिससे कि हम अपने फ़ोन पे की अकाउंट हिस्ट्री को डिलीट कर पाए, है ना। तो ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है गाइस यहाँ पे डियर टीम प्लीज हेल्प मी, डियर टीम हेल्प मी। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे आपको इस रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद में जितने भाई लोग ज़्यादा इस चीज़ को सबमिट करेंगे उतनी जल्दी यहाँ पे फ़ोन पे के अंदर एक न्यू ऑप्शन लाया जाएगा जिससे कि दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन पे क्योंकि गाइस यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को इजीली डिलीट कर पाओगे एंड उसको बहुत आसानी से एंजॉय कर पाओगे। ओके, आपके पास में मेल आ जाएगा एंड फोन पे सपोर्ट की तरफ से। सो आप लोग वो इतने मतलब जितने ज़्यादा बंदे लोग जाके ये चीज़ करेंगे ना उतनी जल्दी आपको ये फीचर दे दिया जाएगा। सो आई होप सभी लोग समझ चुके हो, बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।